बच्चन साहब का धीरे धीरे वीरेंद्र विनोद विनोद परम आदरणीय आप सौरू चाचा जी का स्वागत हमारे गांव के ग्राम प्रधान बड़े भैया रमेश यादव जी द्वारा हो जाए। रमेश यादव जी आपके क्षेत्र के माने जाने गायक धनंजय भाई जो हमसे भी 10 बार गा चुके हैं, तो गाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। साथ तो ये सुस्ताने के लिए एक पार्टी की दूसरे पार्टी को सुस्तवाती। अब बढ़िया खराब गवैयों के ऊपर होता है, कौन किसना बढ़िया गा जाएगा, कौन कहाँ झुक्की खा जाएगा, केवल स्वर से। और धनंजय यादव और हमारे में कोई तुलना नहीं है, देख लीजिए सामने है। अगर चाहे तो फार के खा सकते हैं लेकिन ज्ञान अपने जगह पर है और शरीर की बनावट अपने जगह पर है। आपका आदेश है, सुझाव है कि जो आदरणीय रक्षा भाई के साथ आप गाया करते थे वह गीत हमें प्रस्तुत करें, तो सुनिए। इसके माने आप हमको बुजुर्ग समझकर या आदर स्वरूप समय दे रहे हैं। आप हमारे पिताजी हैं और बेटा बाप से कैसे लड़ सकेला, प्रमाण है सतयुग से लेके कलयुग तक। तो कह दिए कि सुस्ताने के लिए गवैया रखे जाते हैं, तो आप हमको सुस्तवाए, हम अपनी कला प्रस्तुत करते रहे, ठीक है ना? बड़े खेत की बात है। देख भैया, हमारा सम्मान करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए आदरणीय धनंजय बाबू पुष्पों की माला पहनाते हुए 200 रुपए इनाम दिए, बार बार शुक्रिया है। देहात में कहावत है कि जोड़ीदार, चाहे वो किसी तरह की जोड़ी हो, अगर एक पल्ला उसमें से निकल जाता है तो दूसरा पल्ला उतना काम नहीं कर पाता है जितना अपनी जोड़ी का पल्ला रहता है। तो ऐसे अवसर पर ये वातावरण गमगीन हो चुका है, अब वो रस नहीं रहेगा कि हम ताड़ी ठोकेंगे। गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक नौजवान जल्दी पहुंच जाएगा, इसके कारण है कि उनकी फाल लंबी लंबी पड़ेगी। उनके मन का मनोबल ऊंचा है लेकिन बुजुर्ग आदमी उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए समय चाहेगा।
इसकी फाल कमजोर रहेगी, फाल लुदुकियां चलेगा तब भी कम पड़ेगा। कहने का मतलब अपने अपने समय में से कुछ समय काट कर हमको दे दीजिएगा, ताकि हम भी अपने मनोबल से उस गंतव्य तक पहुंच सके। ये गाना जो सुनाने जा रहा हूँ रक्षा भाई के साथ कई बार गाया जो चुका है। कहना है कि लीला या जब हर की जाने न कोई, लीला या जब हर की जाने न कोई, लोई कमाल जी की अद्भुत कहानी। देवव्रत सत्यवान मर के हो जिंदा, पूरन कुराल को मिली जिंदगानी। कबर के कगर में कदर होती सौ की, कफन दे दफन करते कुछ लोग ज्ञानी। सही एक घटना घटी आज ऐसी, माटी दे माटी से माटी निशान। देख भैया, बताए ना, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए रक्षा भाई के छोटे भाई हमेशा कहा करते थे कि हम लोग पांच भाई हैं, बीच में के तीन भाई गुजर चुके हैं, एक बड़ा बचा है और सबसे छोटा बचा है, वह यह जोड़ी भी खत्म हो गई, अब अकेले रह गए छोटे भाई। अब न बड़ा कोई रहेगा न बड़ी बात होगी। कहना है, लाइन पर ध्यान दीजिए कि सही एक घटना घटी आज ऐसी, माटी दे माटी से माटी निशानी। पहले के बाप बात की मुहले पर अक्सर ये शरीर के लोग माटी कहला, तो माटी माटी में गाड़ दिहल गई, माटी में गड़ले के बाद एक माटी प्रकट भइल तो कोनो आश्चर्यजनक बात हुई। लेकिन ये घटना घटल कहाँ, फैजाबाद जिला ग्राम, फैजाबाद जिला ग्राम हरिजन बस्ती टमासा किनार हो। पति पत्नी श्याम देवा करते किसानी, सुखी बाटे उनका परिवार हो। ध्यान नहीं, जैसन गाना वैसन डायलॉग बातचीत। फैजाबाद जिले में हरिजन बस्ती बिल्कुल तमसा नदी के तट पर, वहीं के रहे वाला नागिए श्याम देव जात का हरिजन, उन्हीं की घर गए घटना घटत है। लेकिन कैसे कहना है, गाने की बोल है कि तू हमसे मिलने समा जला करता जमहल में, परदे परदे
पहले सरविंद श्याम देव की आई थी। देखिए घटना शुरू है। कुछ दिन पहले सरविंद श्याम देव की आई थी, खासकर भौती समय उसरी में बिताई थी। कई एक रोज वह निकार पर अनहार रहा, घूम कर घर आई बिल्कुल सुबह बिनसार रहा। चला ना जात चक्कर खा गिरी बेहोश हुई, छोड़ दी चोला मानो वैसे ही काम हुई। श्याम देव बेचारे का सड़गुआइन मैना कुछ दिन पहले श्याम देव के घरे आई ला। संजोग के बाद भगवान की कृपा से वो मैना नामक लड़की गर्भवती रह। पता नहीं समय बितावे खातिर आई लहल या बहन यौरा कर करती आई लहल। आई लहल जरूर, कुछ दिन पहले आई, कुछ दिन वहीं रह गए। एक दिन सुबह सुबह भिनसहरा के बेचारी मैना निकार पर गई। निकार का मतलब सब जाने ला। निकार से वापस आई, एक बाय को ओकरे बदन में प्रसव दर्द शुरू भइल, जे के लड़की बर्दाश्त न कैले, छपटिया के जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब बेहोश होके गिर गई तो गांव वाले सोचत हो कि बुझला ई बहरे गइल रे, कहिए के कीड़ा उड़ा काट ले। देखिए गांव वाले कितनी बड़ी भूल करतु, जब कीड़ा काट लिया तो गांव के आसपास पड़ोस में जितना झरवैया फुकवैया सब बुलावल गई ना। आए के केहू कुरी लगावत, केहू पीटी पत्थरिया सटा सटा के झारत, केहू पानी परोत परो के मुहे पर छिट्टा मारत। झारत झारत दोपहर को देना को, लेकिन लड़की के तो इतना बड़ा झटका लगल हल कि बेहोश है तो बेहोश है, फिर होश में ले के नामे ना ले। धीरे धीरे दोपहर होगा, कले कले वो कर बदन ठंडी मालूम होके लगल, हाथ पांव तंगरे लगल। गांव वाले सोचत हुआ कि टूटी गया जीवन वाला तारवाए मीतावा, टूटी गया जीवन परिवार
अंत्येष्टि अंत्येष्टि है तू अंत्येष्टि गीता पर 110 पठाए बार बार सबको नमस्कार सब परिवार मरी गई तो ले चलाए के गाड़ी दा औजार में ना करी नैहरे खबर भेज रही ना कर ससुरे खबर भेज बांस काट के चिकची बनौला ऊपर मैना का लाश सुताई के कफन उड़ाई के कानी पले के गाड़े खातिर जात हूँ कैसे उठाए चले डोली भाई उठाए चले डोली गांव के जवानवा उठाए चले दो उठाए के गांव वाले कब्रिस्तान में ले गए कब्रिस्तान में ले जाके पूरा मरल भर गड्ढा खोदना सर गड्ढा खोद के वही में मैना के लाश दफनावत हो लेकिन दफनावत समय ओकरी देही पर कितना सामान दफनौले रहना कि दुईठे कफन संग दुईठन गड्ढा खोदले के बाद में मैना के लाश सुता देना सुतौले के बाद बगल में बगली मरना को बगली मरने के बाद मैना को बगली में सुता देना या बगली के मुंह पर एक मामूली पत्थर रख देना कि माटी वोटी के भुरभुरी माटी या कड़ेर माटी दबाव न बनावे पूरा गड्ढा माटी से ढूंढ देना कबर लीप पोत के धूप अगरबत्ती जला के गांव वाले तक घर चले ना गांव वाले घर चले ना लेकिन जब आधी रात भइल तो एक कब्रिस्तान में होत कहा अरे हो मोहन कोनो बहाने आई है भाई मोहन कोनो बहाने आई है अरे कियमनी गोद भरे नहीं हर सासुर ना जाने
अवनी गोद भरे नैहर सासुर ना जाने मोहन कौनो बहाने। जब आधी रात भइल तो भाई नीचे कब्र में लाश दबी थी, नीचे कब्र में लाश दबी थी। आधी रात जब नियर आई पाप समाई चार चोर के भूषण हेतु ललचाई, फोड़ा लेकर मसान में सब कब्र खोदते हैं जाई। तब अरे बात करत चारो चोरवा माटी फेंक के खनियाई, चोर एक राय भाई कला है मतलब है देखता हो हौ सझवा जो लसिया गाल गलन कर दहिया पर दू थान सोने का गहना हमर दवा चल निकल ले जो दो चार पाउच के होइते हो चारो एक राय हो फरसा लेके कब्रिस्तान में पहुंच गेल। कोनो फरसा से माटी फेंका था कोनो हसवे से ठेला था। अरे वो कितना सझवा का माटी पाटल कितना कड़े रहल होई हाथन फरसन माटी फेंक के गड्ढा खाली कर दिया। लेकिन जब गड्ढा में से कुल माटी निकल गई तो बगलिया की मुंह पर एक मामूली पटरा है, पटरवा तन सा करवट हो गई। जब करवट हो गई तो देवलिया पर का छोटवर की भुरु भुरु मटिया वही दररवा में नीचे गिरे लगल। जब माटी नीचे गिरे लगल तो वही में से आवाज या होते कैसे, अरे भुरु भुरु ध्यान दे वही में से आवाज आते कब्रिस्तान में से कि भुर्रु भुर्रु माटी आ गई इराती पटरा से, भुर्रु भुर्रु माटी आ गई इराती पटरा से। भीतरा से मैं समार के गिरावा लोगन कहत है कि मटिया समारी के गिरावा मोर भैया, मटिया समारी के गिरावा मोर भैया। लालना भैया संहार के गिरावा लोगन नीचवा हमारे पैदाइश भइल बा। जब ये आवाज चारों सुनल तक कहत अरे मर्दवत नहीं ये तो काम गड़बड़ हो गया, बुझाते चुरैन हो गई। जब चुरैन हो गई तो गनगन गनगन कांपे लगन सकी अब जान बचल मुश्किल। चारों चोर करत कहवा हाय अरे फेंके बागला हो चोरवा, फेंके बागला चोरवा जाने भइल और ना। कम से कम तीन जाना का जान तो बची, चारों चोर भाग गए ना। लेकिन बेचारी मजबूर है गड्ढा में न उठ के बैठा ही भर के जगह है, न गड्ढा से उन निकाली सके लेने समय के अनुसार
आपसे पहले मैं बताऊंगी कि वो गर्भवती रहल भगवान के कृपा से निश्चित समय मैना के एक बाय एक संतान पैदा हो गई। ओ जब संतान पैदा हो गई तो हच देने दर्द खत्म हो गई, भक्त देने हो गई। आई गांव वाले वो के मुअल समझ के गाड़ तक दहले रह। अब बेचारी गड्ढा में करे तो करे कौन चीज, लेकिन भगवान जेके बचावे ना हर तरह से बचावे। देखा भगवान की कृपा से करत कहा लड़की कि सरकी मैना भाई सरकी मैना टारे पटरा कबर बड़का गड्ढा में आ गई। जब बड़का गड्ढा में आ गई तो उठ के बैठ गई। दूठे देही पर कफन रहल, एगो ता अपने कमर में लपेटले इज्जत ढोपे खातिन, एक कफन में वो लड़का के लपेट लेल। दोनों हाथे बेचारी पकड़ ले कहीं नार न टूट जा नहीं टिटनेस हो जाए। इतना कहले के बाद बहरे कैसे निकली कोनो सहारा तो बाना के बाह पकड़ के स्वर्गीय बड़का चाचा लेकिन रक्षा यादव जी के सुपुत्र हैं बड़े और हमारे बड़े भैया हैं विजय बहादुर यादव जी जो कृपको के मैनेजर रहे हैं रिटायर हैं सौरू चचा और अपने जमाने के लेखक भी रहे हैं। अभी इन्हीं के गाना उगावे तो हरि बाबा पर हमार बाबा चढ़ गई। हम लोगों के बीच में बिरहा के शानदार कलाकार गौरी शंकर आचार्य मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई का। मास्टर साहब थोड़ा समय का ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत प्रणाम। अब तो जिंदा हो गए, अब कौन चिंता है, जहाँ से कहा तहाँ से होकर घर पहुँचा। देखे भैया हमारे बड़े भाई आदरणीय रक्षा यादव के बड़े सुपुत्र आदरणीय विजय यादव जी, विजय बहादुर हो, प्रसन्न कर हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए 200 रुपए इनाम दिए और फूल की माला पढ़ाए, बार बार शुक्रिया है। देखा गड्ढा से निकले खातिर बेचारी प्रयत्न करते कोशिश करते हो, जौन पटरा गड्ढा में रहल ओके बेड़ी बेड़ा कैलस वही के सहारे एक हाथे लड़का पकड़ ले है, एक हाथे धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बाहर निकल गई, बाहर निकल गई। धीरे धीरे कल्ले कल्ले वह मायना नामक लड़की बच्चे को हाथ से दबाए अपनी बहन बहनोई के द्वारे पहुंच गई। वहां जाके ओकर हिफाजत होती हो, सेवा सत्कार होता हो, ये नाते गुरु बिहारी गुरु रमन भाई गुरु बिहारी गुरु रमन यव कल्लन सुरपुर वासी बहाने आई है। अरे की रचना बजरंगी सौरू को लगे बताने बहुत बहुत धन्यवाद।